मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। ओसीसी बाई विपुल सर के लाइफ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ये इतना ज़रूरी क्यों होता है और ये किसके लिए होता है। एक्चुअली इसका मैंने 4 क्वेश्चन ये भी बनाया हुआ है कि लक्ष्य क्या होता है, ये किसके लिए ज़रूरी होता है और ये हमारे लिए ज़रूरी है क्यों, पहली बात तो, और इसके साथ साथ इसका निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। तो इस एपिसोड में हम लोग 3 क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। सबसे पहला, लक्ष्य क्या है और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और ये किसके लिए है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं, इस पर बातचीत कुछ करते हैं, कुछ तार्किक रूप से विश्लेषण इसका करते हैं कि एक्चुअली लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य क्या होता है, जब तक हम लोग यही नहीं पहचान पाएंगे तो लक्ष्य का निर्धारण तो भी बहुत दूर की बात है। तो चलिए देखते हैं लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है, इसकी कोई अलग से मैं आपको कोई बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, ना ही इसकी कोई मैं आपको परिभाषा बताने जा रहा हूँ, ना ही इसका कोई मैं आपको सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। जैसा कि बुक्स वगैरह में अक्सर लिखा होता है, हेडिंग डाल दो और इसके बाद उसकी परिभाषा लिख दो, इसे कहते हैं लक्ष्य और हो गया आपका आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, ना ही लक्ष्य की आपको मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले एक छोटी सी घटना ना कह करके एक सिचुएशन देना चाहता हूँ। सिचुएशन को आप लोग समझिएगा और उस पर विचार करिएगा, इसके बाद आपको खुद ब खुद इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि लक्ष्य क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, और इसके साथ साथ तीसरे क्वेश्चन का भी इसी में आंसर आपको मिल जाएगा कि ये किसके लिए ज़रूरी है। मैं जब कह रहा हूँ किसके लिए ज़रूरी है, तो ये आप सभी लोग, जितने लोग भी सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना हों, चाहे आप छोटे हों, चाहे आप बड़े हों, चाहे आप बुज़ुर्ग हों, चाहे जो भी हों, किसी भी उम्र के क्यों ना हों, मैं आपको भी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लड़के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है लक्ष्य कि चलो भैया पढ़ रहे हो तो एक तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि तुम्हें ये बन करके दिखाना है, और बन गए तो लक्ष्य आपका ख़त्म हो गया। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने जा रहा हूँ। मैं उन सभी लोगों को कह रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में हों, या फिर कुछ भी क्यों ना कर रहे हों, या किसी भी सिचुएशन में हों अपनी लाइफ में। तो चलिए मैं आपके सामने वो सिचुएशन रखता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा लक्ष्य पर। वो सिचुएशन ये है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि आपको जीने के लिए, आपको बोलने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, आपको चलने फिरने के लिए, यहाँ तक कि आपको खाने पीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि आप एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, उठना बैठना, रोना धोना, सोना, कुछ सब कुछ ले लीजिए, इन सभी छोटे छोटे कामों के लिए आपको सबसे बेसिक नीड आपकी क्या है, यानी कि आपको सबसे बेसिक चीज़ क्या ज़रूरी है कि जिसके माध्यम से आप लोग करेंगे, अगर वो नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस पर विचार करिए, और विचार करके अगर आंसर मिल जाए तो प्लीज़ पहले कमेंट में इसको हमको बताइएगा ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग मेरी बातों को समझते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे जो बेसिक ज़रूरत है, वो मुझे लगता है जीवित रहना। जीवित रहना सबसे बेसिक ज़रूरत है। अगर आप जीवित ही नहीं रहेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो आप सोचिए क्या ये सारे काम आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखते हैं कि जो ही किसी की मृत्यु होती है, कोई डेड होता है, तो डेड होने का मतलब ही है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म बवाल उसका, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले सकता। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जीवित रहना। और जीवित रहने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कहेंगे प्राण, जिसको हम लोग प्राण, वैसे कोई देखा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं ऐसा कि हमारे अंदर प्राण होता है, तो वो प्राण हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम जीवित रहेंगे तो ये सारे काम भी कर पाएंगे, यानी कि प्राण और जीवित रहना दोनों को आप एक ही मान सकते हैं। जीवित रहना जब मैं बोलूँगा तो समझिएगा कि मैं प्राण की बात कर रहा हूँ।
और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने अकॉर्डिंग सोचा हूँ और अपने अकॉर्डिंग इस पर विचार करके आपको आंसर बताया हूँ कि सबसे जो बेसिक ज़रूरत है वो जीवित रहना है। आप अपने अपने हिसाब से भी विचार करके अलग अलग आंसर भी निकाल सकते हैं, और अगर आपका अलग आंसर आए तो आप प्लीज़ मुझे अपने आंसर से अवगत भी कराइएगा कमेंट के माध्यम से, जिससे मुझे भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि सबसे बेसिक नीड, कोई भी काम करने के लिए जो सबसे बेसिक नीड है वो क्या है? जीवित रहना, यानी कि प्राण। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए जिस तरीके से प्राण यानी कि जीवित रहना बेहद ज़रूरी है, सेम उसी तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए लक्ष्य ज़रूरी है। एक बार फिर से सुनिएगा, आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, दोनों बातें तो एक ही हो गई। जिस तरीके से छोटे मोटे काम डेली के करने के लिए हमको जीवित रहना ज़रूरी है, सेम उसी तरीके से हमको ज़िंदगी जीने के लिए, हम सभी लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है। ये जो दोनों लाइनें हैं, आप लोग इस पर बहुत गंभीरता से विचार करिएगा, ये कोई सामान्य लाइन नहीं है, ये बहुत ही गंभीर लाइन मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। ये जो दोनों लाइनें हैं इसको आप फिर से सुनिएगा, और फिर से सुनने के बाद इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करिएगा कि जिस तरीके से हमको छोटे मोटे काम करने के लिए जीवित रहना ज़रूरी है, उसी तरीके से हमको ज़िंदगी जीने के लिए लक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है। और दोनों लाइनें बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आप कहेंगे जीवित रहना और ज़िंदगी जीना, इसमें क्या अंतर है? तो जीवित रहना मतलब जीवित हम लोग हैं तो सारे काम कर रहे हैं, और ज़िंदगी जीना मतलब मान लीजिए एक बड़ा सा टाइम पीरियड लेते हैं, मान लीजिए एक साल में जो हम ज़िंदगी जियेंगे, आगे आने वाले जो अभी 2020 चल रहा है, तो इस पूरे 2020 में हम लोग जो ज़िंदगी जियेंगे, क्योंकि 2020 पूरा हम लोग जियेंगे, तो 2020 में जो हम लोग पूरा ज़िंदगी जियेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, और क्या क्या करेंगे में मैं एक एक मिनट को शामिल कर रहा हूँ, एक एक मिनट को, कि एक एक मिनट में हम लोग क्या क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे हम लोग, कितना आगे जाएंगे, अभी जिस लेवल पर अपनी लाइफ में हम लोग हैं उस लेवल से क्या हमारा लेवल घटेगा 2020 के लास्ट तक, या हमारा लेवल बढ़ेगा, लेवल में स्तर आपका बढ़ेगा या घटेगा, या ढेर सारे परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। और ये परिवर्तन कैसे आएंगे? ये परिवर्तन आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके काम करने से। आपके आपका जो डेली का जो जीवन होगा, डेली जो आप जीवित रहेंगे, डेली जो आप काम करेंगे, उसी के बेसिस पे बढ़ते बढ़ते, और लास्ट में जब एक साथ सबको काउंट किया जाएगा, तब आपका जो स्तर निकलेगा वो पता चलेगा कि आप पूरे एक साल में आगे बढ़े हैं, पीछे गए हैं, या जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए हैं, उसी लेवल पर रह गए हैं। तो इसे हम ज़िंदगी बोल रहे हैं, कि जो आप एक किसी टाइम पीरियड में जो आप जीवन जी रहे हैं वो समझिए एक ज़िंदगी है। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इसका भी एहसास हो गया होगा कि प्राण कितना इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो यहाँ लक्ष्य को प्राण से कंपेयर कर दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है लक्ष्य। किसी भी उम्र में आप लोग हों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी उम्र में हों, किसी भी उम्र के पड़ाव में हों, उन सभी के लिए लक्ष्य की ज़रूरत होती है, और ये कितना ज़रूरी है ये तो इसका एहसास आपको हो ही गया। तो हमें जीवित रहने के लिए जितना ज़रूरी प्राण होता है, उतना ही ज़रूरी हमें ज़िंदगी जीने के लिए लक्ष्य होता है, लक्ष्य होना उतना ही ज़रूरी है। और किसी भी उम्र की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि क्या जो लोग एज्ड होते हैं, जो लोग मान लीजिए 50 साल के हैं, 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, या फिर जो लोग अभी 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, मतलब किसी भी उम्र में हैं, तो क्या वो सब ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं? वो सब भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सब भी डेली कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बस उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म सी हो गई है और इसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं, बस एक जगह बैठे रहते हैं। बैठे भी रहते हैं तो कुछ तो करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करते हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं, इस वर्ल्ड में हैं तो कुछ ना कुछ तो करते हैं सुबह से उठ करके। और अगर कुछ ना कुछ करते हैं तो इसका मतलब वो ज़िंदगी जी रहे हैं, और ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसमें ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या किसी टारगेट को ध्यान में रख करके जी रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं कि बस मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, हमको जो करना था वो हम कर चुके हैं, जो हमको पाना था वो हम पा चुके हैं, जो हमको सक्सेस होना था वो हम हो चुके हैं, अब तो हमारा काम ख़त्म है, अब बस कैसे भी करके जो बाकी की ज़िंदगी है उसको निकालना है, और निकालने के बाद फिर लास्ट आपको पता ही है कि क्या होता है।
ऐसा ही होता है जब कोई यंग यानी कि जो पढ़ाई करने वाले जो लड़के होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही कभी कभी होता है। आप देखते हैं जो लड़के सुसाइड करते हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा, यही तो होता होगा। या जो लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं या जो लड़के बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं, कह रहे यार अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम मेरी तो पूरी लाइफ ख़त्म हो गई है, मेरी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है, मुझको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या इस तरीके के ढेर सारे रीजंस आते हैं जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा, वो लोग भी ऐसे ही सोच लेते होंगे अपने माइंड में, अपने पूरे मस्तिष्क में, अपने उनका जो दिमाग होता है उसमें पूरा अच्छे तरीके से बैठा लेते होंगे कि बस अब तो हम बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हैं, अब हमारी लाइफ में हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं जीने के लिए, अब हमारी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी है। और उसी में मैक्सिमम लोग सुसाइड करते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल छोड़ छाड़ के बस यूँ ही पड़े रहते हैं और ऐसे ही आगे चल कर के ज़िंदगी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरी बात अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक मूवी ज़रूर देखिएगा। अगर आप अभी लोग आप लोगों में से अगर बहुत लोग होंगे ऐसे जो देख चुके होंगे और जो लोग नहीं देखे होंगे उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि 102 नॉट आउट 102 नॉट आउट मूवी का नाम है। अमिताभ बच्चन जी उसमें हैं और ऋषि कपूर हैं। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी हो और जो लोग नहीं देखे होंगे उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, तब भी मेरी जो बात है वो आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को ये तो ज़रूर लग गया होगा, कुछ नहीं तो ये तो ज़रूर लग गया होगा कि यार लक्ष्य तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, लक्ष्य तो होना ही चाहिए और लक्ष्य क्या है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए और लक्ष्य कितना ज़रूरी है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। और आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हों तब भी आपको इसकी ज़रूरत महसूस तो हो ही गई होगी, इतना हम उम्मीद करते हैं। और जैसा भी आपको फील हो रहा है, जैसा भी आपके मन में विचार आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, जिससे हो सकता है कोई डायमेंशन मुझसे छूट गया हो तो मैं उस पर भी विचार करके आप लोगों से नेक्स्ट आने वाले लाइफ मैनेजमेंट के एपिसोड में आप लोगों से उस पर भी मैं बातें कर सकूं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि टाइम हो गई है तो इसमें अभी हम लोग लक्ष्य का निर्धारण कैसे करते हैं इस पर बातें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि अगले एपिसोड में, कल वाले एपिसोड में हम लोग बातें करेंगे कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, क्योंकि लक्ष्य इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो लक्ष्य का निर्धारण भी करना पड़ेगा, लक्ष्य को हमको रखना भी पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लक्ष्य का निर्धारण हम लोग कैसे करें ये बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे सोच लो कि हमको ये बनना है, यहाँ तक पहुँचना है, इतना पैसा कमाना है अगले साल तक, या हमको घर बनवाना है, तो बस ये हमारा लक्ष्य हो गया और ये ख़त्म हुआ तो बस लक्ष्य भी ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग कल वाले एपिसोड को ज़रूर सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिस तरीके से भी आप लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, उससे आप लोग हमको अवगत करा सकते हैं, जिससे हो सकता है अगर कोई डायमेंशन छूट रहा हो तो मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लूँगा। तो दोस्तों, टाइम अप कर रहा है कि चले जाइए, तो इसी के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।